कक्षा 10वीं क्लास में आईएमपी डुए डायरेक्ट है, उनको अमल करेंगे आज। डुए डायरेक्ट ना, तो इसमें आईएमपी है भाई। तो सबसे पहले लिखा हुआ है रिंकू, देखो बेटा यहां पर लिखा है, क्या लिखा है रिंकू, पढ़ के सुनाएगा। जिम विल बी, विल बी, विल बी का लिखा जिम विल टेक ए कॉपी, हमें करना है चेंज इनटू प्रेजेंट टेंस, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट। तो जैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्वेश्चन में बोला है तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सूत्र याद होना चाहिए बेटा। क्या होगा पूर्ति प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का? सब्जेक्ट प्लस है प्लस ऑब्जेक्ट, हाँ सब्जेक्ट प्लस एज या है प्लस वर्ब का, जोर से बोलो लिखेंगे। चलो तो किसी के किसी का नाम होता है क्या लगाते हैं हम एज, एज के बाद में पेट का थर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा, एओबी। ओके, किसी को प्रॉब्लम? अगला है आई एम इल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। अब इसमें हमें प्रयोग करना है ओनली सो का, किसका प्रयोग करना है? तो हमें कुछ भी नहीं करना है, क्या लिखेंगे हम यहाँ? आई सो, क्या लिखेंगे? हाँ अभी कोई नहीं बोलेगा, पीछे स्कोर उठाएगा, पीछे स्कोर उठाएगा। आई एम एल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, इसमें हमें सो का प्रयोग करना है बेटा, तो हमें कुछ नहीं करना है। इस पॉलिसी पे क्या लिखेंगे हम? सो आई एम एल सो प्रयोग तुमने अच्छे से पढ़ रखा है ना। इसके बाद में लिखा है ही हैड टेकन कॉपी, ये कौन से टेंस का बात है? पास्ट, पास्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस का बात है। पता नहीं कौन प्रेजेंट बोल रहा है, कौन है? वाह बेटा वाह, ही हैड टेकन कॉपी चेंज करना है पास्ट कंटिन्यू टेंस में। पास्ट कंटिन्यू टेंस जब आपसे कहेगा तुरंत पास्ट कंटिन्यू टेंस का फार्मूला माइंड में आना चाहिए, क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस पास्ट प्लस आईएनजी, गया ना ही, क्या लगाएंगे हम? बाहर लगाएंगे टेकन का, क्या हो जाएगा? टेक, टेक में पद की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, कॉफी। ठीक है, इसके बाद में लिखा इंडिया प्लेड बेल, इंडिया कुड नॉट विन द मैच, ये बहुत सरल होते हैं, कुछ भी नहीं करना है बेटा आपको। दो वाक्यों के बीच में ये लगाना है टी एच ओ यू जी एच और पूरा भाग कैसा कैसा ही बनेगा इसी प्रकार से। और देखो भाई कुछ प्रयोग होते हैं और होता है बट होता है एंड होता है अदरवाइज होता है जस्ट बिकॉज होता है बिकॉज होता है, इन सभी का प्रयोग हम हमेशा दो वाक्यों के बीच में ही करते हैं। नेक्स्ट लिखा आई रीड इंग्लिश, आई रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, हमें क्या बनाना है बेटा? वॉइस। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इंग्लिश को पहले लिखेंगे इंग्लिश, क्या ही साइक्रिया आएगा? रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रीड, रीड अदर वर्ड है नहीं ये, बाय मी, और आएगा वॉइस क्या हो जाएगा? मी, गुड। इसके बाद में ही विल कम स्कूल, इसका भी हमें वॉइस बनाना है बेटा, इसको स्कूल को पहले लिखेंगे, क्या आ जाएगा? विल बी, क्या आएगा?
him come. Or by बन के तैयार। अब एक और बचा है हमारा अंतिम। He speaks in हिंदी। भाई क्या बोलता है? हिंदी बोलता है। क्या बोलता है नंदनी? हिंदी। काजल सचिता बेटा इधर देखो। He speaks हिंदी। हमें बनाना है क्वेश्चन टेक, प्रश्न मुचल्ले से हमें जोड़ना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले पूरा वाक्य हमेशा कैसा लिख देंगे? He speaks हिंदी। इसके बाद में हल्का सा कोमा लगाएंगे। अगर मेन वर्ब में एस या ईस लगा है तो क्या लगाते हैं बेटा? क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट क्या है? और अंत में ये हमारा बन गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।